कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा होने का मामला सामने आया है। मंगला आरती में भीड़ के दबाव में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के समय हुई भारी भीड़ के दबाव के कारण बड़ा हादसा हो गया। भीड़ के कारण हुए हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 श्रद्धालु घायल बताए गए। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह 1:55 पर एक बार होने वाली मंगला आरती के लिए हजारों भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। मंदिर में श्रद्धालुओं की क्षमता से कई गुना अधिक होने के कारण दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में नोएडा सेक्टर 99 निवासी महिला निर्मला देवी पत्नी देव प्रकाश और रुक्मणी बिहार कॉलोनी निवासी व मूल निवासी जबलपुर राम प्रसाद विश्वकर्मा 65 वर्ष की मौत हो गई। मंदिर में जिस समय हादसा हुआ उस समय DM SSP नगर आयुक्त सहित भारी पुलिस बल मौजूद था। हादसा होते ही पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों ने बेहोश हो रहे श्रद्धालुओं को मंदिर से निकालना शुरू कर दिया। इस हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं को वृंदावन के रामकृष्ण मिशन ब्रज हेल्थ केयर और स्वास्थ्य अस्पताल भेजा गया। मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथा भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता, और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लगती लोग कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है, तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सबकी वजह से थोड़ा सा वो फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी उनके द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि उनको जान नहीं लगा पा रहे थे और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा, उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्जिट नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि वे इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय उनको निकाला गया। लेकिन क्योंकि 2 एग्जिट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, एक एग्जिट ब्लैक जो गेट था हमारा वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था उनको निकालने के समय के लिए। उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को